26:1 का अनुपात जो है वो ये बताता है, अभी सालों साल तक टीचर रिटायर होते रहे तब भी नई भर्ती की जरूरत नहीं होगी अगर यही कागज प्रवेल करे तो। विश्व यादव, भर्ती नहीं दे पा रहे हैं, चार साल में हर साल इनका बैच बन रहा है। जैसे अब देख लीजिए कि 17 बैच आया भर्ती नहीं आई, 18 बैच आ गया भर्ती नहीं आई, 19 बैच को प्रशिक्षण के लिए इन्होंने वो कर दिया भर्ती नहीं है, 21 बैच भी चल रहा है, 22 का भी। जब भर्ती इनको देनी नहीं है तो फिर ये प्रशिक्षण क्यों करा रहे हैं, क्यों ये पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं बच्चों से? बंद करा देना पूरा। ये जो आपने सब बात कही कि ये जो बीएड और डीएलएड करवा रहे हैं ये कोर्स, इसमें ताला मरवाने विद्यालयों पे, जब इनको भर्ती नहीं देनी है। सर एक ट्रेन मान लीजिए है, 12 पैसेंजर है, पर्याप्त पैसेंजर है, फिर कराया जा रहा है कि भाई आओ। अरे सर ये उचित तो ये होगा ना कि जो पहले पैसेंजर वहां पे एकदम अफरा तफरी मची हो किसी तरह से उनको बाहर करा जाए। ये थोड़ी एमएसएस साहब जुटे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एमएसएस साहब आप ही बताइए, जब हमारे पास 12 लाख से ज्यादा टेस्ट सीटेट पास अभ्यर्थी हैं तो फिर आप क्यों बच्चों के साथ आप क्या साबित करना चाहते हैं? जब भर्ती इनको पहले दीजिए ना, या फिर ये बंद करा दीजिए कोर्स आप। ठीक है विशु, देखो कोर्स बंद नहीं हो सकते, मैं तो थोड़ा जो बातें व्यक्तिगत कहनी चाहिए वो भी टीवी पर कह देता हूँ, उनमें से बहुत सारी बातें बंद इसलिए नहीं हो सकते, इस बात से रविंद्र पटेल और अवनीश पटेल दोनों सहमत होंगे मेरी बात से दिल से, कि इनमें सबसे ज्यादा नेताओं का प्रबंधन है, जितने ये ऐसे कॉलेज खुले माल पैदा करने वाले इनमें ज्यादातर नेता लोग हैं क्या, और सबने ऐसा जगलरी की कि नाम रखा अच्छा लाल बहादुर शास्त्री स्मारक प्रशिक्षण विद्यालय, बताओ शास्त्री जी के नाम पर इस टाइप का। क्या जो बात विशु कह रहे ना, 12.5 लाख आपके पास पॉकेट में है, इनको नौकरी कभी नहीं मिल पाएगी इसी व्यवस्था से, ये भी ठीक। 12.5 लाख तो कुल मास्टर नहीं, 4-6-8 राज्य मिला तो होगा जाके, तो भी शायद ना हो, ठीक तो नौकरी नहीं मिलेगी अभी तय है, लेकिन हम बाकी को करें तुम लोग भी आओ आगे बढ़ाओ प्रशिक्षण करो, आगे बढ़ाओ प्रशिक्षण करो, क्या इस संख्या को 12 करोड़ ले जाना चाहते हैं? अगर क्या करना चाहते कहीं को रास्ता बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये तफरी के लिए खोल रखा है, आपके पास बस अड्डे में बस खड़ी है 72 लोग उसमें बैठ सकते हैं, चलो 72 और चढ़ा देंगे, एक ऊपर एक बैठा दोगे 144, और बाप ने गेट खोल दिया कि 20-25 और आ जाओ, वो क्या करेंगे? ये सवाल का उत्तर कोई बाबू नहीं देता, ये बड़ा मसला है। कौशल जी, शिक्षा मित्र अवनीश भाई कह रहे हैं कि भाई अगर नहीं जोड़ते शिक्षा मित्रों का नाम तो भी वो बुरा मानते, इसलिए वो बुरा ना माने इसलिए बाबू ने नाम जोड़ दिया उनकी संख्या। शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में ले लिया, लेकिन शिक्षा मित्रों को जो सुविधाएं मिल रही है वो आखिर शिक्षकों की तरह कब तक मिलेंगी? आदरणीय अफ्ताब जी द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को, उनके जो बेसिक चीजें हैं कि आज 10,000 में उनका अपना घर नहीं चल पा रहा है, और अधिकांश शिक्षा मित्र 40-50 वर्ष का उम्र पे पहुंच चुके हैं। अब जरा हमको ये बता दीजिए, ऐसे में आप 51,000 भर्ती कब निकालेंगे, क्या करेंगे, ये अलग चीज है। आज हमारी बुक है कि हमारा घर कैसे चलेगा, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, जबकि इस इलेक्शन से पूर्व में हमारे कई जो संविदा कर्मी थे उनका मानदेय बढ़ाया गया, हालांकि वो पर्याप्त नहीं था उस मानदेय से, लेकिन शिक्षा मित्रों का जबकि बजट भी पास हुआ शिक्षा मित्रों को वही भी बढ़ाया हुआ नहीं मिला। पिछले 5 वर्षों से 10 वर्ष में 10,000 पे काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा कर्मचारी है जिसका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है? क्या महंगाई वहां की वही अटकी हुई है? तो ऐसे में शिक्षा मित्रों से ऐसा क्या है, हम आपको बता दें, हमारा आपसे अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री तक जो भी है आप, ठीक है, उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाई जाए कि आखिर शिक्षा मित्रों जो है उनका कल्याण कब तक होगा, उनकी समस्याओं का निस्तारण कब तक होगा? आपने शिक्षक के रूप में माना है, बहुत अच्छी बात है, आपने काउंट कर लिया, बहुत ठीक है, लेकिन हमारी समस्याओं का भी निस्तारण कर दीजिए, यही आपसे अनुरोध है। मांग भर दे, अवनीश पटेल के पास आ रहा हूं, एक बात कहकर, जो बात कौशल जी कह रहे हैं, मांग भर देने से पत्नी नहीं हो जाती, ना कोई पति हो जाता, सिनेमा में तो रोज मांग भराई हो रही है, सीरियल में कोई किसी घर चला रहा है, ये मांग भराई है अवनीश पटेल जी, जो बाबू ने कर दी सिनेमा जैसी, बोले अब तो खुश हो, कैसे खुश होंगे, जेब में 10,000 रुपए लिए आ रहा है महीने में, घर जाते पे शर्म आए, बूढ़े मां का आंख का ऑपरेशन कैसे कराएं, बेटी की शादी कैसे करें, लड़के की पढ़ाई कैसे हो, किराया कहां से जाए, ये इसको चाटेंगे जो विधानसभा में कागज रख दिया गया कि 26:1 अनुपात हो गया। अवनीश पटेल जी,